फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई कई कहानियाँ जब हम बड़े बड़े पर्दे पर सुनते हैं तो हमें लगता है शायद ये सिर्फ जो है पैसा कमाने का तरीका है। लेकिन आजकल जब हम नए नए शो देखते हैं तो उनके निर्माता हर एक से बात करते हैं प्रमोशन के लिए या फिर स्लॉट चेंज के लिए कि शायद मान जाएं। इससे पहले भी जो हैं राजेश राम सिंह जी जब अपना एक शो लाए थे कभी कभी इत्तफाक से, जिनका आप गुम है किसी के प्यार में देख रहे हैं, उन्हीं निर्माता का स्टार प्लस पे एक शो आया था कभी कभी इत्तफाक से, जो कि उन्हें लगा था कि स्टोरी बहुत अच्छी है और फैंस को काफ़ी पसंद आएगी, तो उन्होंने स्टार प्लस से काफ़ी डिमांड की थी कि हमें जो है 9 o'clock दे दीजिए। लेकिन स्टार प्लस ने कहा कि एट दिस टाइम साथ निभाना साथिया 9 o'clock पर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, या उसका जो हमने टाइम पीरियड दिया हुआ है वो उसका भी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप देख लीजिए बात करके शायद वो मान जाए, क्योंकि उनका टाइम पीरियड जो है 2 महीने बाद पूरा हो रहा है। तो ऐसे में जो है उन्होंने रश्मि मैम से बात की थी, साथ निभाना साथिया के निर्माता से जो है रश्मि शर्मा से काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी राजेश राम सिंह जी की कि उन्हें अपना एक शो लाना है। तो ऐसे में रश्मि शर्मा मैम नहीं मानी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी बहुत सारी स्टोरी बची है साथ निभाना साथिया की, अगर मेरे पास स्टोरी ना होती और हैप्पी एंडिंग के पास होता या फिर मुझे नई स्क्रिप्ट भी खरीदनी पड़ती तो मैं कर देती, लेकिन ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट खरीदी भी है तो मुझे तो वो दिखानी ही है। तो उन्होंने काफ़ी स्टार प्लस से डिमांड की थी, बट स्टार प्लस ने कहा कि अभी स्लॉट खाली नहीं है। ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी। फिर उन्होंने वो शो 7 o'clock पर ही ट्रांसफ़र करवा दिया था, मतलब अपना लॉन्च कर दिया था कभी कभी इत्तफाक से। उस शो ने टीआरपी इतना अच्छा नहीं दिया था और वो शो जल्दी ही बंद हो गया था। फिर से उन्होंने जो है नई शुरुआत की थी 7 o'clock पर तेरी मेरी डोरियां, जिसने टीआरपी भी भरपूर दी है और 2023 का हिट शो है। अब राजेश राम सिंह जी का एक नया शो आ रहा है दीवानियत, जो 11 नवंबर से 6 PM पे शुरू हो रहा है स्टार प्लस पे। ऐसे में जो भी उनका प्रोमो देख रहा है सब यही कह रहे हैं स्लॉट अच्छी नहीं है, स्लॉट अच्छी नहीं है, स्लॉट अच्छी नहीं है, सबकी एक ही बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि राजेश राम सिंह जी ने चैनल से रिक्वेस्ट नहीं की होगी, की होगी, लेकिन 6 o'clock पर शो उनका आ जाएगा ये मुझे शॉकिंग लग रहा है कि हो सकता है कि उनके शो के साथ कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि वो इतनी ईजिली 6 o'clock की स्लॉट नहीं लेंगे। या स्टार प्लस ने कहा होगा कि देखो 7 o'clock आपके लिए इतना अच्छा रहा था, इतनी अच्छी टीआरपी दिया था, जिस स्लॉट को आप अच्छी नहीं मानते थे, हो सकता है आप 6 o'clock पर भी वो कमाल कर जाएं, हो सकता है डियर। और आजकल तो विंटर है, 6 o'clock का तो मैटर ही नहीं होता कि टीआरपी बढ़ जाएगी, विंटर में एकदम रात हो जाती है, सब लोगों को लगता है कि नहीं बस लंच की तैयारी करनी है, पूजा करनी है, 6 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में जो है अब उनके जो निर्माता हैं दीवानियत के, उन्होंने जो है आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है और उड़ने की आशा से काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि वो उनके शो को प्रमोशन करें। तो अब जो है दीवानियत की टीम उड़ने की आशा और ये रिश्ता के सेट पर पहुंची है। फिलहाल तो जो पिक सामने आई है वो उड़ने की आशा के साथ आई है, कनवा डिलोन के साथ जो है अपने शो का प्रमोशन करते हुए नज़र आई, यानी कि सचिन के साथ उड़ने की आशा। अब खबर ये भी है कि रिश्ता के साथ भी जो है अपने शो को प्रमोशन करेंगे, तो प्रमोशन से काफ़ी असर पड़ेगा, शायद हो सकता है कि फैंस को जो है शो पसंद आ जाए या फिर स्लॉट जो भी हो उस पर अच्छी टीआरपी निकल जाए। तो बधाई हो फिलहाल दीवानियत के लिए, क्योंकि पूरा स्टार प्लस की टीम दीवानियत को सपोर्ट कर रही है, फिर चाहे गुम हो, चाहे उड़ने की आशा हो, या फिर आपका प्यारा सा ये रिश्ता क्या कहलाता, बड़े बड़े शो सब प्रमोशन में लग चुके हैं दीवानियत की। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बंद।